वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। यहाँ पे बात करो बच्चे, एक्चुअली बहुत सारे बेसिक क्लास आपने करे होंगे। यहाँ पे बेसिक के तहत हम एडवांस की बात भी कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। मैं आपके साथ एक अलग तरह से मैं काम कर रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश सीख जाओ। यहाँ पे मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये चार वर्ड है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्पीकिंग में बहुत यूज होते हैं, राइटिंग में बहुत सारा यूज होता है, ये डे टू डे लाइफ में इसका बहुत यूज है। तो कैसे हम पढ़ेंगे ईच एवरी आइदर नाइदर को, कैसे इसका यूज करें, राइट? तो अभी आप देखो, दो मिनट के अंदर आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। सुसरा देखो आखिर ईच एवरी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक बात करते हैं हम, पहले ईच एवरी की बात करें तो ईच का बच्चे आप ध्यान देना, ईच का दो हिंदी होता है, एक हिंदी हमने बोला प्रत्येक और एक ईच का हिंदी हुआ प्रत्येक। अब आराम से आप एक एक करके पढ़ना। अब यहां पर मैं लिखा एवरी एवरी, अब ईच एवरी मंत्र क्या है, एवरी का एक ही हिंदी होता है और वो हिंदी है प्रत्येक। अब इस प्रत्येक और इस प्रत्येक में क्या अंतर है वो समझिए। तो ईच का जो प्रत्येक होता है ये होता है दो के लिए, दो के लिए, और ये जो प्रत्येक होता है दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, राइट? अब यहां पे ध्यान देना है कि ईच का मतलब प्रत्येक और एक हुआ प्रत्येक, दो से दो के लिए, और ये प्रत्येक दो से ज्यादा के लिए। कैसा दो के लिए, कैसा दो से ज्यादा के लिए, इसको जानते हैं। एक हुआ प्रत्येक, प्रत्येक तो प्रत्येक मतलब क्या हुआ, एक एक करके, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। अब इसको समझना है बच्चे, क्योंकि दो से ज्यादा और दो क्या है वो समझना है। जैसे हमने कहा कि मान लो चावल की बोरी है, अब चावल की बोरी में एक एक किलो 50 किलो है, हमने बोला कि प्रति एक किलो 20 रुपया, तो 20 रुपये की बोरी नहीं है वो, एक एक कर करके 50 किलो की कीमत, आप एक किलो लोगे 20 रुपया, फिर एक किलो 20 रुपया, इस तरह से एक बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्रति एक का मतलब हुआ एक एक करके, प्रत्येक मतलब एक एक करके। जैसे हमने कहा कि एक एक करके बच्चे आ जाए, प्रति एक बच्चे के पास नया कलम है, तो प्रति एक बच्चे के पास नया कलम है, तो वहां पे ईच स्टूडेंट हैज अ न्यू पेन, तो ईच स्टूडेंट मतलब एक एक करके सारे की बात हो रही है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, प्रति एक, एक एक करके दो से ज्यादा। अब दो से ज्यादा 2000 हो, 200 हो, 3 हो, 50 हो, 1 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कहा प्रति एक दो से ज्यादा। अभी एग्जाम्पल बात करें, हमने यहां पर बोला एग्जाम्पल कि ईच बॉय, ईच बॉय हैज अ न्यू पेन, तो ईच बॉय हैज अ न्यू पेन, तो ईच बॉय का मतलब हुआ कि प्रति एक बच्चे के पास नया कलम है, तो ईच बॉय हैज अ न्यू पेन, प्रति एक बच्चे के पास, तो प्रति एक का मतलब क्या हुआ, एक एक करके जितना हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक का, तो इस प्रत्येक का क्या मतलब है उसको आप जानते हैं। तो इस प्रत्येक का मतलब है दो से ज्यादा। अब दो से ज्यादा कितना, तो ये ग्रुप की बात करेगा, ये एक साथ दो होंगे इसकी बात करेगा। जैसे सर, तो यहां पे हमने बात करा बच्चे आपके साथ कि दो से ज्यादा हो तो कैसे, जैसे हमने बोला कि मान लो कि ये राम है, ये मान लो श्याम है, अब राम और श्याम दो बच्चा है, अब हम बोलना है दोनों खुश हैं, दोनों खुश हैं। जैसे एग्जांपल ये हो सकता है, हमने बोल दिया कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब बोलना है कि राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। फिर हमने कहा कि दोनों, क्या बोला हमने, दोनों, तो प्रत्येक का मतलब दोनों, हमने बोला दोनों खुश हैं, तो हमने बोल दिया ईच इज हैप्पी, तो हमने राम एंड श्याम और गुड फ्रेंड्स, ईच इज हैप्पी, ईच कौन है भाई, ईच है राम एंड श्याम, यहां पे दोनों की बात कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम और गुड फ्रेंड्स, ईच इज हैप्पी, दोनों खुश हैं। अब यहां ध्यान दें बेटा, ईच आर मत लगाना, ईच के साथ हमेशा ईज लगता है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर, चूंकि ईच हमेशा होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर, इसलिए ईच आर मत बोलना, ईच इज हैप्पी बोलना, क्लियर? अभी आगे और बात करूंगा, यहां बात करते हैं हम लोग, यहां पर एवरी की बात करें। अब एवरी को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एवरी की बात करें तो एवरी का मतलब हुआ प्रत्येक, प्रत्येक कौन सा, दो से ज्यादा, ये भी हमेशा ग्रुप को दिखाता है। जैसे मान लो पूरा कंपाउंड है, पूरा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग में हमको बोलना है प्रत्येक, तो प्रत्येक, जैसे मान लो क्लास है, तो एवरी स्टूडेंट,
Every student has a new car. Every boy has a new pen. Every student has a new dress. तो every student, every boy, ध्यान देना, every भी एक singular word है. Every क्या है? Singular है. इसके साथ भी कभी भी, इसके साथ कभी भी, ध्यान रखना कि R का प्रयोग मत करना. जैसे हमने कहा every, every boys, तो every boys गलत हो जाएगा. Every boy is, every boy is ready to win the match, right? तो every boy होगा और यहाँ पे is लगाएंगे. कभी भी every boys और every are मत करना. ध्यान रखना चार बातें, each, every, either, neither, ये चार शब्द. आजीवन होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर. फिर से बोलो each, अरे बोलो ना, each, every, either, neither, ये चार शब्द आजीवन होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर. तो ध्यान रखना एवरी बॉयज नहीं, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे गलती कर जाते हैं, एवरी बॉयज बोलते हैं. उनको लगता है कि एक से ज्यादा है तो आर आना चाहिए, बिल्कुल ऑफकोर्स आना चाहिए, लेकिन एवरी एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ कभी भी, कभी भी, ध्यान रखना सिंगुलर ही लेता है, आजीवन प्लूरल कभी नहीं लेता, ये ध्यान रख, कभी भी अपने साथ प्लूरल नहीं लेता. एक बात खास और ध्यान रखो, अगर हमने बोल दिया एवरी इज हैप्पी, एवरी इज हैप्पी, अब यहां पे दो बात समझो कि ईच और एवरी में अंतर समझ में आ गया. अब यहां पे आप जा क्लियर करना, आप समझने के लिए ईच और एवरी से अगर कुछ बात आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसे क्लियर होगा. हमने आपसे क्वेश्चन दिया ईच इज हैप्पी, ईच इज हैप्पी, और यहां हमने दिया एवरी इज हैप्पी, हमने दिया ईच बॉय इज हैप्पी, फिर हमने दिया एवरी बॉय इज हैप्पी. ठीक है बच्चे, चार एग्जाम्पल दिया हमने, ईच इज हैप्पी, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, एवरी इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी, एवरी बॉय इज हैप्पी. अब बताओ चार राइट है क्या? पहला सही है चलेगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही, चार सही. अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है वो आप जानिए. ईच एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नाउन प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है. फिर सुन लो, ईच एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन भी है और ईच एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है. ईच एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी है. अगर हम बोले यहां पे ईच बॉय इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी, तो यहां पे बॉय क्या है? नाउन. नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव. तो यहां पे ईच क्या काम करेगा बच्चे? एडजेक्टिव का. यहां बोले ईच इज हैप्पी, ईच के बाद क्या लिया? वर्ब, यानी कि हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन रहता है? प्रोनाउन. तो यहां पे ईच क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन का. तो ईच इज हैप्पी, यहां पे बात सेंटेंस बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला, क्योंकि ईच एडजेक्टिव भी है और ईच प्रोनाउन भी है. यहां बात करते हैं एवरी इज हैप्पी. तो एवरी एक मात्र ऐसा शब्द है चार ग्रुप में, ईच एवरी आइदर नेदर में, एवरी एक ऐसा वर्ड है जो एवरी कभी भी एडजेक्टिव, एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता. इसलिए एवरी के साथ इज लगाना गलत होगा, एवरी बॉय होगा. यानी एवरी के साथ हमेशा नाउन आना चाहिए. यानी एवरी एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ नाउन लेगा ही लेगा. यानी एवरी एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ नाउन लेगा ही लेगा, बिना नाउन का ये संभव नहीं है. तो ध्यान देना एवरी के बाद नाउन होगा, क्योंकि एवरी प्योर एडजेक्टिव है, एवरी प्योर एडजेक्टिव है. एवरी कभी भी ये प्रोनाउन नहीं हो सकता. एवरी इज अ सिंगल वर्ड विच इज यूज एज एडजेक्टिव ओनली, नेवर यूज एज अ प्रोनाउन. एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए एवरी इज हैप्पी बोलना गलत हो जाएगा. तीसरा देखिए ईच बॉय, तो ईच बॉय आ गया, तो बॉय जब आ गया तो क्या बन गया? एड एडजेक्टिव बन गया, और इज तो आएगा ही आएगा. फिर सुन लो ईच एवरी आइदर नाइदर, आजीवन सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर. एवरी बॉय बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि एवरी के पास बॉय आ गया, ये बन गया एडजेक्टिव. तो अब मुझे बताइए कि ईच और एवरी में अंतर समझ में आया? एवरी प्रोनाउन है, एवरी एडजेक्टिव है, बट सॉरी ईच प्रोनाउन है, ईच एडजेक्टिव है, बट एवरी प्योर, एवरी
प्योर एडजेक्टिव है, एवरी कभी भी प्रोनाउन जैसा काम नहीं करता। आई होप ये दोनों में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने कहा होगा कि ईच और एवरी आजीवन होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर, राइट। अब हम तुलना करेंगे आइदर और नाइदर में और देखते हैं आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यहां मैं बात करूं आपके साथ बच्चे, तो आप सीखने का प्रयास करिए और जब भी आपको दिक्कत हो तो अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आके आप क्लास ले सकते हो। यहां पे हमने बात करा आपके साथ आइदर और नाइदर की बात, आइदर और नाइदर की बात मैं करा आपके साथ। तो आइदर और नाइदर की बात करूं तो आइदर का हिंदी होता है दो या दो में से कोई एक, दो या दो में से कोई एक, यानी दो या दो में से कोई एक। और नाइदर की बात करें तो हम कह सकते हैं दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। तो नाइदर की बात करें दोनों में से कोई नहीं, तो आइदर दो या दो में से कोई एक, और नाइदर की बात करें दोनों में से कोई नहीं, तो हम लोग आइदर और नाइदर का प्रयोग करें। ये है क्या सर? तो आइदर और नाइदर ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों तुम्हारे प्रोनाउन है, है ना, और ये दोनों साथ साथ एडजेक्टिव भी हैं। क्या क्या बच्चे? एडजेक्टिव भी हैं। कहे सर? अब यहां पे ध्यान दीजिए, पहले आप एक एक चीज लिखते चलो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और एक एक पार्ट को फटाफट पढ़ते चलो सीखते चलो। तो हमने कहा आइदर और नाइदर दो या दो में से कोई एक, कोई एक की बात करेगा। यहां पर नाइदर की बात दोनों में से कोई नहीं की बात करेगा। अब हम एग्जाम्पल देख लें तो हम बोल सकते हैं आइदर इज रेडी, Either is ready to cross the road. Either is ready. तो यहां पे either काम कर रहा है pronoun का, right? क्योंकि either के बाद क्या ले लिया? Verb. तो जो चीज subject होता है ना वो pronoun भी होता है। तो either क्या काम कर रहा है यहां पर? Pronoun का। यहां पर हमने कह दिया कि either boy is, ध्यान रखना आइदर भी तुम्हारा सिंगुलर है इसलिए हमेशा इज लेगा, कभी भी आर नहीं लेगा। तो आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड, आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। तो यहां पे आइदर क्या काम कर रहा है बच्चे? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले कौन रहता है? नाउन से पहले एडजेक्टिव रहता है। तो यहां पे आइदर काम कर रहा है एडजेक्टिव का, राइट। यहां पे तुम नाइदर भी कह सकते हो, नाइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। तो आइदर और नाइदर इन दोनों का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, आइदर और नाइदर इन दोनों का प्रयोग हम कितने करते हैं बच्चे? दो के लिए। फिर सुन लो, आइदर और नाइदर दोनों का प्रयोग दो के लिए करते हैं, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो वस्तु हो, चाहे दो कलम हो, चाहे दो बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी दो चीज हो, हम दो के लिए प्रयोग करते हैं। आइदर का हिंदी दो या दो में से कोई एक, आइदर का मतलब दो या दो में से कोई एक, और नाइदर का हिंदी दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ टू, नन ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। हमने बोला आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, हमने आइदर का प्रयोग किया प्रोनाउन जैसा, यहां प्रयोग कर दो नाइदर का। नाइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड मतलब दोनों तैयार नहीं है पार करने के लिए, यहां भी तुम कर दो नाइदर बॉय, नाइदर बॉय, नाइदर बॉय। तो यहां पर क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। यहां पे काम कर रहा है प्रोनाउन का, क्लियर। तो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। तो हमने बोला नाइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड एंड नाइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। तो यहां पे नाइदर काम किया एडजेक्टिव का, क्योंकि बॉय क्या है तुम्हारा? नाउन। नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव। तो यहां दो तरह से हम लोग काम कर सकते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। आप मुझे बताओ कि ईच एवरी आइदर नाइदर में जो आपको बताया इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस चार शब्द में हमने एवरी को बोला कि एवरी प्योर एडजेक्टिव है, एवरी प्रोनाउन का काम नहीं करता, बल्कि ईच और आइदर नाइदर प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करता है। प्रोनाउन तब रहेगा जब अकेले होगा, एडजेक्टिव तब होगा जब उसके जस्ट बाद नाउन होगा, जैसे ईच बॉय, आइदर बॉय, नाइदर बॉय, एवरी बॉय, तो बन गया एडजेक्टिव। अगर अकेले अकेले होगा तो रहेगा प्रोनाउन, जैसे ईच इज, एवरी इज, सॉरी एवरी इज तो बोल ही सकते हम लोग, है ना, याद रखना हर चीज को। तो ईच इज, आइदर इज, नाइदर इज बोल सकते हैं, बट एवरी इज नहीं हो सकता। एवरी बॉय होगा, एवरी मैन होगा, एवरी गर्ल होगा, तब प्रयोग होगा। इस तरह से मुझे भरोसा है कि आप बेहतर कर सकते हो। अगर इसके साथ साथ बच्चे आप चाहते हो कि सर हम घर बैठे आपका कोर्स
करना चाहते हैं तो घर बैठे पढ़ सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, ऑनलाइन क्लास के लिए www.dsl.com से आप पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बेहतर क्लास करने के लिए आप वेबसाइट पर जाएं और बेहतर क्लास तैयारी करें। बाकी मैं यूट्यूब आपको पढ़ा ही रहा हूं, दे रहा हूं। आप बार बार डिमांड कर रहे हो कि सर मुझे मेमोरी क्लास चाहिए, मेमोरी क्लास चाहिए, तो हमने आपके लिए वेबसाइट पे मेमोरी क्लास भी स्टार्ट करवा दिया है। आप उनका क्लास लेकर के बेहतर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक खास बात रखना, अगर आप इंग्लिश फाउंडेशन के साथ मेमोरी क्लास करते हो तो वह मेमोरी क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं। प्लस इसके साथ साथ सारे बुक्स भी आपको फ्री मिलेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे सिर्फ मेमोरी क्लास करना है, तो वह भी आप अलग से कर सकते हो। आपके लिए हमने दोनों क्लास करवा दिया है, फ्री वाला भी और अलग से भी आपको क्लास दे दिया है, ठीक है। तो इसको आप, मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी जो जितने भी डिजायर थे पूरे हो गए। आपने कहा था ऑनलाइन क्लास के लिए, वो भी हमने दे दिया, तो आप करें और बेस्ट लक, अच्छा होगा आपके लिए।